शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, शांति। आज की तारीख हम सब जानते हैं, 21/7, और बरस कौन सा है? 2021। बाबा वर्षा देता 21 जन्मों का, तो डेट है 21, बरस है 2021। बाप दादा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों का खजाना देते। बाबा कहते मेरा ज्ञान रत्न एक एक लाखों रुपए का है। बाबा तो लाखों कहते पर मैं तो कहती हूँ पद्मों का। एक एक रत्न की इतनी वैल्यू है। डायरेक्ट ज्ञान सागर हम बच्चों को ज्ञान दे रहे, कितना खजाना देते बाबा। फिर बाबा कहते बच्चे भक्ति मार्ग में भी कहते गुप्त दान महापुण्य। आज की मुरली में बाबा ने इसका रहस्य बताया, गुप्त दान क्यों कहा जाता, उसकी वैल्यू क्यों है। क्योंकि शिव बाबा ज्ञान के सागर गुप्त में ज्ञान देते। देखो भगवान आया लोगों को पता नहीं, तो ज्ञान गुप्त देते। हम बच्चे भी गुप्त हैं, हम बच्चे गुप्त में राजधानी स्थापन करते, बाबा से गुप्त में वर्षा ले लेते। कोई लड़ाई नहीं, कोई हथियार नहीं। भक्ति मार्ग में देवियों को देखो क्या क्या हथियार बता दिए। बाबा कहते तुम तो योग बल से बाबा से विश्व की बादशाही ले लेते हो। फिर बाबा कहते बच्चे देखो बाबा के सेंटर्स तभी तो बहुत थोड़े थे ना, तो बाबा कहते धीरे धीरे बाबा के बच्चे आते रहेंगे। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तो सेंटर्स पर भी वृद्धि होती जाएगी। पहले शुरू शुरू में यज्ञ जब स्थापन हुआ, कई परीक्षाएं आई, तो कईयों को लगा कि अब ये बस खत्म हो जाएगी संस्था, तो कई चले गए। तो ये भी एक ड्रामा में उनका पार्ट है। कई बाबा कहते न यहाँ के न वहां के, इस रीति से ग्रहचारी बैठ गई, माया की ग्रहचारी, राहु का ग्रह, उसमें से भी फिर कोई कोई आते रहते हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो सबके लिए है। बाबा कहते अबलाएं कुब्जाएं गड़िकाएं, मैं तो सबका उद्धार करता हूँ ना। आज तो बाबा ने भिलनी को भी याद किया,
कहते हैं ना कि भाई राम ने उसका जूठा बेर खाया। अब ऐसी तो कोई बात है नहीं, लेकिन बाबा की साधारण माताएं कैसे कुछ कुछ भी लेके आती है। अब बाबा ने बड़ी रमणीकता से बोला है कि मैं तो खाता नहीं ना, मैं तो अभोक्ता हूँ, तो कौन खाएगा। तो ब्रह्मा बाबा के पास रखते हैं, इनका बॉडी है अपना, इनका शरीर है, इनकी आत्मा है, तो वो खा सकते, मैं तो नहीं खाता हूँ। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। हम जो ये बाबा की मुरली सुन रहे हैं ना, बहुत झोली भर रही है हमारी। रोज चेक करो, मैं झोली भर रहा हूं ना बाबा से, तो ज्ञान रत्नों से झोली भरने। एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। कितने रत्न बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है। भक्ति मार्ग में कहते राइट हाथ से दान करो, लेफ्ट को पता न चले, इतना गुप्त दो, उसका महापुण्य है। तो गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते। बाबा हम बच्चों को गुप्त ज्ञान दान देते हैं, इससे दुनिया तो नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की बादशाही ले लेते हो। बाबा हमको देते, हम फिर उनको दान करते हैं, तो बाबा कहते उनसे तुमको क्या मिल जाता, विश्व की बादशाही। अच्छा, यह भी तो गुप्त है, न कोई लड़ाई है, न कोई बारूद है, न कोई खर्चा है। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दे दी, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। इतना बड़ा श्रेष्ठ कर्म भगवान ने किया तो उसका यादगार बन गया। अच्छा, आज बाबा कहते डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते और एक ब्रह्मा दादा कहते, बाप और दादा दोनों भी बच्चों को कह रहे ओम शांति। आप भी अपने स्थान पर बैठ करके बोलो, बाप दादा को बोलो ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है, दोनों शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले आए हो, साकारी देश में पार्ट बजा। हम यहां मेहमान हैं, मुसाफिर हैं। आत्मा का असली घर शांति धाम है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये ड्रामा है। बच्चों को ड्रामा के आद मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया। ऊंचे ते ऊंचे भगवान और उनके साथ बच्चे। अब इन बातों को अच्छी तरह समझो, तुम्हारे सिवाय तो ये ज्ञान कोई में है ही नहीं। तुम पढ़ते हो, शब्द कितना अच्छा दिया बाबा ने, खुदाई स्कूल में। कहाँ बैठे हम, कहाँ पढ़ाई कर रहे, खुदाई स्कूल में। भगवानु वाच, भगवान तो एक है, कोई 10-20 तो भगवान नहीं है ना। सब धर्मों में भी कहते गॉड इज वन। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं ना, सबका बाप है। सर्व धर्म की आत्माओं का कहते हैं ना, सबका मालिक एक। फिर बाप सृष्टि रचते हैं, तो कहा जाता प्रजापिता ब्रह्मा।
शिव को प्रजा पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो है आत्माओं के पिता अनादि। प्रजा जन्म मरण में आती है, आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। साथ में क्या ले जाते? संस्कार। संस्कार कैसे बनते? हमारे कर्म से। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा, तो गाया हुआ है परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया जाता कि पति पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और फिर उनका अंत होता है, तब भी बाबा आते। क्यों आते? पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो कि बाबा आते एक ही बार है और कभी नहीं आते, सारे कल्प में एक ही बार आते। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सब की एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। छोटा सा ड्रामा होता है, 2 घंटे का मूवी है, 15-20 एक्टर्स है, पर हर एक्टर को स्टोरी मालूम होती है, तो ये भी पता रहता है हीरो कौन हीरोइन कौन। तो बाबा कहते नॉलेज तो होना चाहिए। अब वो होता है हद का ड्रामा, उनका सबको पता है, तुम भी देख करके आते। चाहो तो लिख भी सकते हो, इतना छोटा ड्रामा होता है, 2 घंटे का स्टोरी लिखते हैं ना, चाहो तो लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो, छोटा सा होता है। अब ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा, 5000 वर्ष का, जिसको तुम सत्युग से लेकर के कलयुग अंत तक जान, यानी कितनी बुद्धि बाबा ने हमारी विशाल दुरांदेशी बनाई, कितना सारा ज्ञान दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लेते, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं ना, राजा के घर में जन्म लेते राजा बनते, वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते। अब ये कर्मों की गुह्यक गति बाबा बता रहे, बहुत दान पुण्य किया तो राजा के घर में जन्म मिलता, पर एक जन्म के लिए। ऐसे नहीं कि वो दूसरे जन्म में भी वही बनेंगे, फिर वो जैसा कर्म करेंगे वैसा आगे उनको जन्म मिलेगा। तुम जो सत्युग में राजाएं महाराजाएं थे, तो ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह ज्यादा दान पुण्य करते हैं तो वह भी राजाई पाते हैं। जैसे बाबा कहते ना, तुम 3 भाग तो बिल्कुल सुखी हो, 3 भाग तो छोड़ो, 4th भाग भी हम सुखी हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा समय है जबकि हिसाब किताब चुकतू करना है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य करते तो राजाई घर में जन्म मिलता, परंतु वो फिर हो जाते विकारी राजा। तुम पूज्य थे, पुजारी बने, तो वो होता है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। देखो दुनिया कितनी तमो प्रधान नीचे उतर चुकी है, और हम बाबा के करोड़ों में से कोटों में कोई कोई में कोई बच्चे सुखी बैठे हैं ना। हिसाब किताब भले हमारे सामने,
पर बाबा का साथ, कंबाइंड भगवान, कदम कदम पर मदद करने वाला, सुखी बैठे। तो बाबा कहते यहां कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, ये तो बाद में होता है, जब लाखों के अंदाज में होते ना तब लड़ाई जाकर के शुरू होती है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में सुख ही सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है ना तब जाके थोड़ा दुख होता है। अरे अभी 50-100 वर्ष पहले ही देखो, लोग भी सुखी थे। दादा परदादा का हम जब कहानी सुनते हैं अपनी, 5-10 रुपया पेमेंट, कितने सुखी। तो बाबा कहते तुम बहुत सुखी रहते हो। अब तो है तमो प्रधान, बाप समझाते ये है तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो कि ये बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग होते हैं ना तो कहते भगवान तुमने ऐसा खेल रचा ही क्यों। जब तंग होते तो कहते अगर भगवान रचे नहीं तो दुनिया नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है, सत्य कलयुग तक और अभी जाकर के बाकी थोड़े रोज रहे। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे ना, समय आता रहता है, ड्रामा का दृश्य बदलता रहता है और हम बच्चे देखते रहते हैं। 5000 वर्ष का बाकी ना थोड़ा सा चक्र बाकी है, घड़ी बोलो चक्र बोलो थोड़ा सा बाकी है, वो भी थोड़ा ही दिखा देंगे। जब होगा तब उनको साक्षी होके देखेंगे, जो जो दृश्य आता है साक्षी होकर बाबा को साथ रखकर साथी बनकर देखते रहेंगे और देख भी रहे। अभी जो होना होता है ना वो कल्प पहले माफक होगा, ये तो देखते ही हो कि तैयारियां हो रही है। विनाश तो जरूर होगा, सबकी तैयारी हो रही है। वो ड्रामा में पहले से नोंद है, चाहे हम चाहें या न चाहें। बाबा कहते ड्रामा में नोंद है, जो होना है वो होके ही रहेगा, विनाश तो जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तुम प्रधान बनी है ना उनको यहां से तो प्रधान बनाना है, ये भी तुम समझते हो। बाबा गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान देते। बाबा गुप्त, बाबा का ज्ञान गुप्त, दुनिया में कोई नहीं जानता। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी चीज और गुप्त में ले रहे, कोई आवाज ही नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता। बाबा आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है कोई भी नहीं जानता, भगवान आ गया किसको पता ही नहीं कितना गुप्त है, और कार्य सब चल रहे। ये सब कहां जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं कुछ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा कितना गुप्त है, तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते। देखो पूरी गुप्त की पॉइंट बाबा ने स्पष्ट किया, तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद, न कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में देखो कितने झगड़े मारा मारी चलती, मर्डर भी कर देते। गांव की तो बात ही नहीं, थोड़ी बहुत भी कुछ चीज नहीं मिली मर्डर हो जाता है, तो कितने लड़ाई झगड़े। तो बाबा आकर गुप्त दान देते, मुरली का सार ये पक्का करो, गुप्त दान देते, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते भर दो झोली शिव भोला भंडारी, भर दो झोली शिव भोला भंडारी, और बाबा झोली भर रहे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे,
तो एक एक रत्न लाखों रुपए का है, तुम कितने रत्न देते? अभी एक मुरली से भी आप शब्द गिनती करो, कोई माप कर ही नहीं सकते, कोई कैलकुलेटर ही नहीं है, कितनी वैल्यू है। फिर तुम कितने दानी बनते, वो भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं दी थी, वास्तव में तो ऐसा कुछ है नहीं, सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं तो नहीं होती है। कलयुग में कितने प्रकार के हथियार दे दिए विनाश के लिए, बॉम्ब्स हैं, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? तुम कहते हो ना ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग, तो ज्ञान तलवार तो उन्होंने क्या कर दिया, हथियार दे दिया, तलवार दे दिया, है तो कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, फिर तुम सबको गुप्त दान देते हो, तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे, श्रीमत है भगवान की, तुम जानते हो कि हम आते नर से नारायण बनने, उनको सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, दैवी गुणधारी कहते। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम हो जाती, कंप्लीट जो दैवी गुण है ना, सर्वगुण संपन्न और सोलह कला, वो बाबा कहते देवताओं में होती है। फिर बाबा हमेश मिसाल देते, वो आज भी बाबा दे रहे हैं, कि जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है, कम होते होते जाके एक पतली लकीर बच जाती है, सब देखते हैं, अनुभवी हैं, सारा गुम नहीं हो जाता है, लकीर जरूर रहती है। और तब क्या कहते, अमावस्या, वो पूर्णिमा और ये अमावस्या। अब तुम्हारी तो बेहद की बात है, बेहद की पूर्णिमा आधा कल्प और बेहद की अमावस्या, तुम सोलह कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती, दिखा ना यशोदा को, ऐसा कृष्ण मुख खोलता है और अंदर पूरा गोला, क्यों देखो बाबा बता रहे, माताएं चंद्रमा देखती है। अब ये तो साक्षात्कार की बात है, उसकी समझानी बाबा देता है। अब तुमको संपूर्ण बनना है, माया का तुमको संपूर्ण ग्रहण लग चुका है, बाकी जाकर लकीर बचती है, सीढ़ी उतरते जाते, सबको सीढ़ी उतरनी, तब फिर सब वापस जा सकेंगे। तुम तो अभी थोड़े हो, आस्ते आस्ते वृद्धि होगी, साकार बाबा के समय की बात है। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, नंबर होते हैं ना, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। अब तो बाबा के लाखों बच्चे बन गए, समय नजदीक आता जाएगा तो फिर समझेंगे कि इन्हों में क्या चीज है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। अभी कहते हैं इतने बरस पहले वाले, अभी कहते हैं कि हमने समझा था कि ये कहां तक चलेगा, खत्म हो जाएगा, परीक्षाएं भी ऐसी आ गई, बेगरी पार्ट भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो कईयों ने समझा कि अभी ये खत्म हो जाएगा, न हम यहां के रहेंगे न वहां के रहेंगे, तो चले जाए। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहां के न वहां के रहेंगे, इससे तो भागो, भाग गए। फिर उनमें से भी कोई आते हैं, बहुत आते हैं, बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते, इन अबलाओं
अहल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते, इन्हों का उद्धार कर। कितना मीठा प्यारा बाबा, ऐसी अबलाओं का भी ऐसा उद्धार करते सहज ज्ञान देकर कि वो लोग भी कर सके। कहते बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा कहते कुछ नहीं पढ़ी ना, बहुत अच्छा। शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वो तो सब भूल जाओ। मैं कुछ ज्यादा पढ़ाता नहीं हूं, सिर्फ कहता हूं मुझे याद करो, तुम्हारी बादशाही तुमको मिलेगी, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ कहेंगे बाबा, वर्सी का हकदार बन जाता, यहां भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया, राजधानी तुम्हारी। मेरा बाबा बोला राजधानी तुम्हारी, इसीलिए फिर कहावत है सेकंड में जीवन मुक्ति। इसका बाबा ने अर्थ बताया, दिल से बाबा को अपना बाबा माना तो बाबा कहते वर्षे पे हक लग गया। शाहूकार लोगों का पिछाड़ी में पार्ट है, पहले गरीबों की बारी, गरीबों का टर्न है, क्योंकि बाप है गरीब निवास। गरीबों का सहयोग लेकर के बाबा भारत को स्वर्ग बनाते। बाबा चाहे तो सेकंड में प्रेरणा दे सकता, लेकिन नहीं। इसीलिए कहते न शिव बाबा का भंडार भरपूर कालकंटक दूर। हम जो करते खुद के लिए करते। शाहूकार लोगों को तो फुर्सत नहीं रहती, उनका ड्रामा में अलग पार्ट है। तो बाबा कहते वो पिछाड़ी में आएंगे, पहले गरीबों की बारी है। तुम्हारे पास ना आप ही आएंगे, आते भी हैं। दलितों का भी तो उद्धार करना है, हर हर व्यक्ति का उद्धार होने वाला है। हर फील्ड में जो कहां भी है उनका उद्धार होगा। भीलनी का गायन है। कहते राम ने भीलनी के बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं है और शिव बाबा भी नहीं। न वो त्रेता वाला राम भीलनी का बेर खा सकता, वहां तो भीलनी नहीं, और न शिव बाबा जो राम है वो भी नहीं खाते, वो अभोक्ता है। हाँ हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े, बाबा के पास बच्चे आते लेकर के। भीलनी आदि आएगी, समझो टोली आदि लेके आए, तो अभी इनकार कैसे करें? भीलनी गणिकाए ले आएंगी, तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूं। तुम्हारे पास आएंगे, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, इनका उद्धार करो। तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवास है तो हम भी तो गरीबों को समझाएं। भीलनियों से भी निकलेंगे, हर एक जगह से कोई ना कोई बाबा के बच्चे निकलते हैं। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा, सब सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए। अभी बाबा कहते जो भक्ति करने वाले हैं ना उनको समझा। हमेशा बाबा कहते भक्ति करने वाले देवी देवताओं के भगत हैं, शिव बाबा के भगत हैं। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लग रहा है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे ना वो आते जाएंगे। एक बार भी सुना स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का मिसाल बताया कि शिव पर जाकर के बलि चढ़ते। अभी तो गवर्नमेंट ने मना किया, गला काट देते जाकर के वहां। उनको तो कुछ मिलना चाहिए ना।
तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के। अब उनका बलि चढ़ना और हम बच्चों का बलि चढ़ना, रात दिन का फर्क है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में राजाई नहीं होती, हमें तो राजाई मिलती है, वापिस भी कोई जा नहीं सकता। तो क्या होता है जो बलि चढ़ते, क्या होता है उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू करते, ये भी कर्मों की गुह्यता, उनके पाप खत्म हो जाते। लेकिन फिर नए सिर जन्म होता, नए सिर कर्म होते और हिसाब बनता, नए सिर उनके पाप शुरू होते। बाकी रहना सबको इधर है। नंबर वन में तुम हो, तुम 84 जन्म भोगते हो, सबको सतो रजो तमो में तो आना है। बाबा कहते इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरी भूत हो गया। मनुष्य तो बिल्कुल गोर अंधियारे में कुंभकर्ण के नींद में सोए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं है, अनेक है। तुम कितना भी समझाते हो सुनते नहीं। जिनका पार्ट है वो पुरुषार्थ करते हैं, वो मात पिता के दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन भी तो वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं, बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाबा कहते इसका इतना कुछ नहीं डांटने से, तुम पुकारती हो ना हम पतितों को पावन बनाओ, तो बाबा कहते काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध महाशत्रु है, माताओं में इतना नहीं होता है। पुरुष बहुत लड़ाई करते, पहला नंबर काम, सेकंड नंबर क्रोध। अब बाप ने तुम माताओं को आगे कर दिया और बोला वंदे मातरम, नहीं तो माताओं को क्या कहते, पति तुम्हारा गुरु है ईश्वर है, उनकी मत पर चलो। हथियाला बांध फट से पति बना देते, ये ईश्वर मिला उनको, अभी तुमको मिला। अभी राम राज्य स्थापन हो रहा है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी परम पिता परमात्मा से है प्रीत बुद्धि, तुम्हारी आत्मा जानती है। शिव बाबा इनमें आते, इनके द्वारा हमको सुनाते। इतनी छोटी बिंदु शिव बाबा का ये टेम्पररी रथ है, इनके द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है, अब वो बढ़ता जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब बनता, गरीब निवास बाप है ना, बूंद बूंद से तालाब बनता है। बच्चे अपना सफल करते हैं वो बाबा स्वीकार करते, क्योंकि जानते ये तो सब मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी रहना नहीं है, तो इतना तो सफल हो जाए। अभी बाबा स्वीकार कर रहे, आगे जाके तो स्वीकार भी नहीं करेंगे, इसलिए जिसको सफल करना है कर डालो। सुदामा का मिसाल है, बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी 6-8 रुपया भेज देती है। वाह बच्ची, बाबा तो गरीब निवास है, ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा, बांदेलियां हैं। बाबा कहते तू ना भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला, भले बंधन है बाबा तो मिला। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जाएंगे किधर, मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, एक ही दुकान है, आना है, सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। ये कयामत का समय, सब वापिस जाएंगे। ये है साजन की बरात, शिव बाबा साजन की बरात। कैसे बरात जाएगी, बाबा साक्षात्कार कराते ना, वो भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके, ऐसे हम बाबा के लकी सितारे। अच्छा, मीठे मीठे से किल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे, पहला, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला, उनकी वैल्यू को समझकर अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है और सबको गुप्त दान देते रहना। दूसरा, इस कयामत के समय जबकि वापिस जाना है, सब कुछ क्या करो, सफल करो, प्रीत बुद्धि बनो, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताओ। वरदान है सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सत्युग में बन जाता है, सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है, जैसे पारस लोहे को पारस बना देता, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना दे। इतनी शक्ति है सत्यता में। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह हैं, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। जितना योगी बनेंगे उतना प्रकृति हमारी दासी बनेगी। अच्छा, ओम शांति।